हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे गुलगुल स्टूडियो चैनल पर। मैं सिद्धेश पंगेरकर आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। तो कल एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। बेसिकली इंसिडेंट ये हुआ कि ऑफिस से घर आ रहा था एंड नाहूर के ब्रिज पे एक टेम्पो वाले ने मस्त रोमांटिक होके गाड़ी की पप्पी ले ली। जैसे ज़्यादा डैमेज कुछ हुआ नहीं गाड़ी को, बट स्क्रैचेस आ गए। सो अभी जाते हैं गैरेज पे गाड़ी छोड़ने के लिए। गाड़ी छोड़ते एंड देन ऑफिस निकलेंगे आज बाइक से ही। हाँ, बिकॉज बाइक राइड स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। सब सेटअप मेरा हो गया है आज। वैसे भी बाइक लेके ही जाने वाला था, बट ये इंसिडेंट हो गया तो अभी पहले गाड़ी देंगे गैरेज पे एंड देन फिर जाके बाइक निकालेंगे। बाइक का भी आपको सेटअप बता दूँ। सो ये यहाँ पे मस्त थक गई है गाड़ी। अब इसको करवाना है काम एंड ये बॉनेट पे भी किसी बच्चे ने कर दिया था, उसको भी करवाना है। क्या रवि भाई कैसे हो? बढ़िया। क्या करना था? ये करवाना है थोड़ा सा। ये बच्चे ने स्क्रैच कर मारा है, वो पॉलिश से हो जाएगा ना। सो बाय द वे ये सेटअप रेडी किया है। इसमें गोप्रो माइक अंदर फिट किया है। ये हेलमेट मेरा ही था रे, पुराना है। ये सब बनाया मैंने, ये एमसील लगा के। कभी गिरेगा तो भी टूटेगा नहीं ना यार, ये कड़क हो गया है। ये एमसील बहुत पहले लगाया था ये वाला। ये रवि भाई कैलाश के गाँव में है ना। रवि भाई के पास तो हमारा गाड़ी अभी जा रहा है रिपेयर होने। बाय बाय। अपना गाड़ी तो चला गया, अभी हमारे धन्नु को लेके निकलते हैं ऑफिस फटाफट। मोटर लॉगिंग का सेटअप भी चेक कर लेते हैं कि हमारा मोटर लॉगिंग का सेटअप प्रॉपर है, ताकि हम कहीं राइड पे जाए तो हमारा पोपट ना। सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक। फाइनली मोटर लॉगिंग के सेटअप में बैक हो गया हूँ। ठीक है, अभी ऑफिस जा रहा हूँ तो हैंड ग्लव्स जैकेट वगैरह नहीं है, वो सब रेडी है घर पे। राइड पे जाएंगे तो वो पहन के जाएंगे, बट हाँ थोड़ा हेलमेट बहुत टाइट हो गया है। आज हेलमेट का ग्लास भी लेना है हमें, देखते हैं प्लानिंग क्या है। लेट्स सी, हेलमेट का ग्लास लेंगे या पूरा का पूरा हेलमेट लेंगे। जो हेलमेट पहना है मैंने आपको दिखाया, देखा होगा आपने, वो LS2 का हेलमेट है एंड उसका ग्लास बहुत कॉस्टली है। सो लेट्स सी अभी क्या होता है, शाम को जाएंगे, अगर ग्लास आई होगी तो ग्लास वरना हेलमेट। बट सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है यार। यस, सो मोटर लॉगिंग के सेटअप में एक और चीज़ बतानी थी आपको। ये जो सामने लिया है मोबाइल केस है, वाटरप्रूफ केस है। अभी तो बहुत चीज़ें करनी है बाइक में हमें, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट करवाना है हमें, देन मतलब हर जगह पावर बैंक लोग लेके थोड़ी घूमेंगे। गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई, मोबाइल की बैटरी तो डायरेक्टली चार्जिंग। इस वाटरप्रूफ केस में ये साइड से बैटरी लगाने का भी है, मीन्स वायर इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है, तो हम इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं। ये कैसे भी घूम सकता है, ऐसे 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 चाहिए वैसे, तो हम गूगल मैप इसमें लगाएंगे एंड चलाएंगे बाइक। थैंक गॉड यार आज का मौसम थोड़ा ठंडा है, गर्मी नहीं है, नहीं तो हॉरिबल गर्म रहता है हमेशा। आज धूप नहीं है एक्चुअली। अरे यार क्या धूप नहीं है बोला एंड धूप आ गई, साला नसीब ही खराब है। कुछ और बोलने वाला था मैं, पर जाने दो, अपना चैनल फैमिली चैनल है। बस यही दिक्कत है, अभी जैसे ये सामने गैप दिख रहा है इतना सा, और ये आप देख सकते हो ये इतने बड़े गार्ड है।
दूसरा कोई बाइक होता तो अब तक निकल जाते, आगे खड़े रहते, यही दिक्कत है, निकाल नहीं पाऊंगा। सर जी थोड़ा सा आगे बढ़िए, मतलब मैं भी जाऊंगा वो बाइक वाले की तरह मस्त फ्लेक्स मार के। अरे वाह थैंक यू, कुछ गाड़ी वाले दिल से बात सुन लेते हैं, थैंक यू, दिल की बात सुन लेते हैं यार कुछ गाड़ी वाले, मज़ा आता है। ब्रो कोड ब्रो कोड, खुद को आईने में देख के कैसे लग रहा है देखो। हाँ सामने बहुत धूप है, छाव से जाते हैं, चलो सो अभी मैं पहुंच रहा हूँ मेरे ऑफिस, तो आपसे दोबारा आके मिलूँगा मैं अभी शाम को, जब भी हम लेने जाएंगे हेलमेट, हेलमेट या ग्लास देखते डिसाइड नहीं है, आई जा गावत जाने दो, जो भी रहेगा शाम को मैं आपको पक्का आके बताता हूँ रिटर्न। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर से आके मिल रहा हूँ आपको। सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक। अपन हम 9 घंटे की गधा मजूरी करके अभी निकले हैं, जोक्स अपार्ट, ऑफिस से अभी निकला हूँ एंड जैसे मैंने आपको कहा था हम अभी जा रहे हैं हेलमेट, हेलमेट का ग्लास लेने। लेट्स सी ग्लास लेते हैं या हेलमेट ही लेते हैं, डिपेंड्स ऑन कॉस्टिंग, अपने जेब को भी परवड़ना चाहिए क्योंकि अपने को गाड़ी का फटका बैठ गया है। गाड़ी वाले कॉल करके पूछा रवि को, रवि मीन्स गैरेज, एंड उसने भी कहा कि हाँ बाबा रेडी है गाड़ी, तो 9 बजे के पहले वहाँ पे भी पहुँचना है मुझे एंड फटाफट शॉप पे जाके आपको मिलता हूँ डायरेक्टली। हम आ गए हैं ये श्री कृष्णा शॉप पे एंड दिस इज़ द शॉप। सो यहाँ से अभी हम लेंगे हेलमेट या ग्लास, लेट्स सी। सो अभी बहुत देर वहां पे डिसाइड करके फाइनली मैंने ये ग्लास ले ली, हेलमेट्स बहुत सारे देखे बट मुझे पसंद नहीं आए तो ग्लास ही फाइनलाइज कर लिया, ले लिया एंड अभी निकल चुका हूँ डायरेक्टली गैरेज पे बिकॉज अपनी सुंदर सी परी रेडी हो चुकी है एकदम टकाटक, तो फटाफट अभी यहाँ से निकलता हूँ एंड वहां पे पहुंचता हूँ। एंड अभी हम पहुंच गए एक गैरेज पे, बस 2 कदम पे गैरेज है एंड देन हम देखेंगे हमारे सोन परी को। अरे वाह ये तो अपनी गाड़ी बाहर निकल रही है, आहा दूर से तो एकदम मक्खन दिख रहा है सब कुछ, प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है, ठीक है थोड़ा पास से देखते चलो। अरे वाह एकदम चमक रहा है यार पैनल, मस्त बनाया पैनल। हाँ यहाँ पे नीचे स्क्रैच था जो गायब हो चुका है, यहाँ पे भी कलर मारा है उसने एंड ये बाजू वाला पैनल, ये भी एकदम मक्खन दिख रहा है, जहाँ चुम्मा लिया था वो तो हटा ही दिया है, नामो निशान मिटा दिया है, वाओ। एंड बॉनेट, हाँ यहाँ के भी स्क्रैच गायब कर दिए, एकदम बढ़िया बना दिया है यार गाड़ी, मस्त बनाई है भाई, क्या अमेजिंग दिख रही है यार गाड़ी, मतलब जहाँ से चुम्मा लिया था ना टेम्पो वाले ने वो चुम्मे का नामो निशान मिटा दिया है, एक नंबर कड़क दिख रहे, कड़क दोनों जगह से इसको एकदम परफेक्ट बना दिया। अभी आएगा वो तो वो गाड़ी लेके बढ़ेगा, मैं बाइक लेके फिर ऑफिस को छोड़ने आऊँगा। तो एंड हाँ ये फाइनल देख लो मस्त मेरा मोटर लॉक का सेटअप, हेलमेट उसके ऊपर ही है सब। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे ये लॉग एंड करता हूँ एंड आपको नेक्स्ट लॉग में आके मिलता हूँ। आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो चैनल को, भूलना मत। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नया लेके, इंटरेस्टिंग लेके, अभी हमारा मोटर लॉगिंग चालू होगा तो वो भी आपको इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड ड्रीम, बाय बाय।